सो हेलो जी, क्या हाल है? मेरा नाम है सिमरन और ये मेरे पीछे है सुगंधा। आज है 13, सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30 बजे। 10:30 बजे लास्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट का और हम आ चुके हैं इधर ब्रेकफास्ट करने। लेट आए हैं तो लेट आने करके हमें कुछ मिला ही नहीं है, सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स मिले हैं, इडली मिले हैं, केला मिला है। ये देखो, ये भर के ले आइए भाई, ये प्लेट मेरी बारी में प्लेट खत्म हो गई। ये थोड़ा सा एम्बियंस मैं आपको दिखा दूँ, तो दिस इज व्हाट द एम्बियंस इज लाइक। मतलब सही है, फ्लोरिंग इज द सेम, टेबल चेयर्स, लगभग 12 बज चुके हैं। मैडम ऑलमोस्ट तैयार है, सामान हमने अपना सारा तय कर लिया है। ये हमारा बाहर का व्यू है, बहुत अच्छी लाइट आती है इधर से, और सिर्फ सुबह ही आती है क्योंकि जब रात हो जाती है तो सिर्फ इन्होंने 2 बल्ब दे रखे हैं, 1 और 2, जिसकी रोशनी ना बराबर ही है। ठीक ठीक है, और अभी हम निकल रहे हैं कीर्ति नगर, जहाँ पहुँचने में हमें लगेंगे लगभग आधा घंटा। वहाँ पर हमें थोड़ा काम है, आपको दिखाएंगे। इट इज दी लार्जेस्ट टिम्बर मार्केट, फर्नीचर शोरूम्स बहुत कुछ है उधर, वहाँ जाके देखेंगे। और फिर से हमने एशिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल मार्केट में जाना है 5-6 बजे के करीब, क्योंकि वहाँ से हमने थोड़ा सामान लेना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो अभी फटाफट चलते हैं। चलो भाई कूली, सामान उठा, बाहर का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे कूली साहिबा सामान उठाते हुए, चलो कूली मास्क भी लगाओ अपना, चलो 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 चलो। ये बाहर अगेन वी एंटर इनटू द लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी है। हाँ, कूलिंग नहीं है यार इधर, बस यही है एक, ये छोटा सा इंसान। अरे भाई, ये इंसान तो गिर गया मेरे से। So we are heading towards the कीर्ति नगर मार्केट है ना, यहाँ का। यार इसको बोलो चुप हो जाए, यार चुप हो जा बहन। अरे चुप नहीं हो जाए यार, मेरे को पता नहीं लगता। अच्छा, तुमने बुलवाया उसको? हाँ। नई से ली तुम्हारी? नो कॉमेंट्स। तो अभी ना मार्च में चंडीगढ़ गए थे मैं और सुगंधा, और वहाँ पे हमने ऐसे मतलब इतनी हरियाली देखी थी। अभी हमें कहीं कनॉट प्लेस के आसपास है, दिस इज मदर टेरेसा मार्क, और आप ग्रीनरी देख ही सकते हैं यार, फुल ऑन। चंडीगढ़ के बाद अब इस एरिया में मेरे को अच्छा लगा आके, मतलब खुला डुला है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया होगा आसपास, सारा मतलब सरकारी एरिया ही है सारा का सारा। तो मज़ा आता है ऐसे एरिया में गाड़ी उड़ी चला के ना, इवन यू कैन वॉक अराउंड इन द इवनिंग। ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ आया है, है ना? पुराने पुराने सही है, लग नहीं रहा दिल्ली में। कल देखी ना असली दिल्ली हमने। हाँ, अभी आज फिर देखनी है। हाय, चलो लेट्स गो। अपनी जो गाड़ी है लगा ली है, पता नहीं क्या है भाई, कौन सी दुकान है, ला फोन्स के बाहर हमने गाड़ी लगा ली है अपनी। अभी हम देखते हैं कि मेन जो कीर्ति नगर फर्नीचर ब्लॉक है वहाँ पे हमने जाना है, तो वहाँ पे हम जाएंगे ना यार। लगभग लगा लीजिए 1 किलोमीटर हो गया चलते चलते, ये मेन रोड है कीर्ति नगर की। यहाँ पे सारे ऑन दी लेफ्ट ऑन दी राइट आपको ये सारी दुकानें मिलेंगी फर्नीचर वगैरह की, प्रॉपर फर्नीचर हब है, मेन बड़े बड़े स्टोर्स हैं इधर फर्नीचर के, बट वी आर मेनली लुकिंग फॉर दी फर्नीचर ब्लॉक। एक यहाँ पे टिम्बर ब्लॉक है, एक यहाँ पे फर्नीचर ब्लॉक है, तो वही हम ढूंढ रहे हैं फर्नीचर ब्लॉक किधर है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज इधर फर्नीचर मार्केट। दीदी वी हैव एंटर्ड, ये मायापुरी से ये जो मेन रोड जाती है यहाँ से बहुत आगे आके, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आके हम फर्नीचर ब्लॉक एंटर कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करने के बाद फिर मिलेंगे। हम यहीं कीर्ति नगर फर्नीचर ब्लॉक में घूम रहे हैं, और ना एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई है, ये वाली पॉकेट स्विंग है, ये बड़ी मज़ेदार स्विंग है यार, बड़ी मज़ेदार स्विंग है। ए बस
मोना के मजे हैं अब, आंखें बंद हो गई हैं, मजे हैं अब। चल उठ जा भाई, चलें आगे। अभी ना देखो दर्शकों, 7 बज चुके हैं, हम कीर्ति नगर मार्केट से आ चुके हैं, ओल्ड दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने आप देख ही सकते हैं यार, मेरे को ना ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया चलते हुए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमने भाग्यरथ पैलेस में जाना है। बट चीज़ें भाई साहब, ओल्ड दिल्ली वाली साइड गाड़ी चलाना मेरे लिए तो भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, बिकॉज बहुत ही कम स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, बहुत सारे गियर चेंजेस एंड बहुत सारी ब्रेकिंग। आंखें मेरी फट चुकी हैं, मोना की भी फट चुकी हैं। आज थोड़ा टायरिंग हो गया यार एक्सपीरियंस अपना ना, कल भी इतना टायरिंग नहीं था, कल इतना भारी, कल तो चाहे हमने 550 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, बट आज जितनी भी हमने चलाई, हमने पथ यात्रा बहुत की है ना। हाँ, कीर्ति नगर मार्केट तो पूरी एक्सप्लोर्ड पूरी करने लगो तो फिर तो महीना लग जाए। अभी हम यार दर्शकों विल फिगर आउट, एक तो ना यहाँ पे ओल्ड दिल्ली में पार्किंग की बड़ी मेरे को दुविधा सी रही है, अब मैं इधर लगाऊं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की भागीरथ पैलेस वाली साइड ले जाऊं, फिर वहां से घूम के वापस ना आना पड़े। तुम हो ना यार, गाड़ी ये सीट छोड़ोगे तो कोई पार्किंग मिल भी जाएगी। मैं हूँ ना, मैं ही तो कर रही हूँ पार्किंग, मैं ही तो करवाती हूँ। मस्ती है मस्तानों की दिल्ली दिल्ली नो 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 दिल्ली 6। Have you seen that movie? I've not seen that movie, but I've seen Delhi in reality. Delhi 6. भाई साहब बहुत ही गड़बड़ घोटाला है इधर, उधर ही लगा देते हैं। अरे भाई यहाँ पे देख, यहाँ पे तो सिग्नल हुआ है, उधर वाले को भी आना है, वो डाकिया को भी जाना है, सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहा है। उधर से पता नहीं किधर से उधर का सिग्नल होगा तो आओ ना भाई। अभी ये भागीरथ पैलेस वाली साइड पहुंच चुके हैं, चांदनी चौक वाला मेन एरिया लगा लीजिए, और यहाँ से हमने आगे गुरुद्वारा सीसगंज है, और सीसगंज की थोड़ा सा आगे जाके है भागीरथ पैलेस। अब यहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि यहाँ पे हमने पार्किंग ढूंढनी है जी। बहुत ही रश है आज, बहुत ही ज्यादा, फ्राइडे है। सभी जी ये है जी दिल्ली का सीसगंज गुरुद्वारा, सभी यहाँ से हम आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ से हम जाएंगे भागीरथ मार्केट, भागीरथ पैलेस। हमारा रह गया था दिखाना आपको, तो ये रात को देखिए जी भागीरथ पैलेस से हम एंटर कर रहे हैं, और एकदम जगमग जगमग हर जगह हो रखी है। अभी जी मैं आपको बता दूं, हम आए हुए हैं नज़ीर फूड्स, और ये फेमस है इंडियन एंड मुगलाई खाने के लिए। मैडम खा रहे हैं वेज थाली और हमने मंगाई है नॉन वेज थाली। मैडम से रिव्यू पूछते हैं, मैडम रिव्यू कैसा है, हाउ इज़ द रिव्यू? सो फार इट्स सो, लेट मी टेस्ट, आई थिंक इट इज़ गुड। मैंने थोड़ी सी इनकी बिरयानी खाई है, मेरे को ठीक लगी है। तो नॉन वेज थाली में है बिरयानी, फुलके जो तवा तंदूरी रोटी होती है, पापड़, दही, प्याज, गुलाब जामुन, अचार, तवा चिकन, दाल मखनी। एंड मैडम में है सारी चीज़ें सेम है, ये वेज पुलाव है, दाल मखनी है, पनीर, मिर्च बहुत है, ये मैंने भी नोटिस की है, और ये है गुलाब जामुन। तो अभी हम मिलते हैं आपको इसके बाद अपने होटल में। ओके तो जी भाई और बहनों, रात के 11 बज रहे हैं, गाड़ी हमने उसी होटल के बाहर लगा दी है यार, क्योंकि यही अप्रोचेबल मुझे लग रहा था। अगेन वी आर बैक टू ब्लूम रूम एट जनपथ न्यू दिल्ली, बिकॉज यार फिजिबिलिटी इधर पड़ रही थी, कनॉट प्लेस पास है। और इस बार ही हमने क्या किया कि हमने ना यार इसमें रोटी नहीं हमने करवाई, ब्रेकफास्ट नहीं लिया, बहुत ही बकवास था सुबह ब्रेकफास्ट, बकवास नहीं कहूँगा मतलब हमें नहीं अच्छा लगा। इडली थी, परौंठे बनवाए थे, और भी चीज़ें थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप ब्लॉग में चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या था, बट एम्बियंस इज रियली गुड यार, येलो थीम है, प्रॉपरली येलो थीम है। एंड अगेन सुगंधा इज फाइटिंग टू गेट विच रूम,
अभी सुगंधा को जो रूम चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा। अरे भैया दे दो, देखो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपको। यार ये एम्बियंस ना मेरे को बड़ा सही लगता है, ये मतलब ऐसे छोटा सा इन्होंने सेट आउट एरिया बना रखा है। यहाँ पे दे हैव दी एप्पल iMac इंस्टॉल्ड, यू हैव अ सेट आउट ओवर हेयर, नाइस यार एवरीथिंग इज नाइस। ये एंट्रेंस का एम्बियंस बहुत है ना सही, एकदम धांसू जो कहते हैं वो बना रखा है, एकदम सुपर्ब। एंड रूम्स आर टू स्मॉल, वो आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। लेट मी गिव यू स्मॉल टूर कि हम आए थे यहाँ से लिफ्ट, लिफ्ट को एंटर करती हर एक फ्लोर का ना मतलब आउटर एरिया सेम है। यू हैव दिस वाटर लाइक जहाँ से हम पानी पुनी पी सकते हैं, फ्रिज वगैरह है, डस्टबिन है, चाय वगैरह पीनी है तो पीछे कॉफ़ी सब पड़ा हुआ है। स्मॉल रीडिंग एरिया सेक्शन, देन इस बारी हमने फिफ्थ फ्लोर पे रूम लिया, सो वी एंटर इन टू द रूम। सो लेट मी लाइक शो यू द रूम अगेन। जो है यू हैव दिस स्मॉल बेडरूम, मतलब पूरी बिल्डिंग में इनके पास यही मतलब साइज रूम्स हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज द सेम, यू हैव अ स्मॉल LED, देन यू हैव दिस सी थ्रू वॉशरूम, अंदर आप देख सकते हैं छोटा सा वॉशरूम है, बेसिन है, सीट है, एवरीथिंग इज द सेम। भाई साहब आप लगा के चलिए, ऑलमोस्ट 11:15 हो गए हैं एंड फाइनली इट इज द टेस्टिंग टाइम एंड इट इज वेरी घटिया। घटिया इसीलिए है कि सुगंधा बताएगी, बंदा जब सो रहा होता ना उसकी जो पोजीशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो पता नहीं अजीब गरीब बन जाती, थोड़ा सा हार्ड हो फर्नीचर वगैरह लेना हो तो प्लीज आप आइए एक्सप्लोर करिए कीर्ति नगर मार्केट दिल्ली में, बहुत ही अच्छा। और ब्रांडेड में जाना है ब्रांडेड भी मिल जाएगा, सस्ते टिकाऊ में जाना है वो भी मिल जाएगा। आप क्या बताना चाहेंगे कीर्ति नगर मार्केट के बारे? है तो बहुत जबरदस्त मार्केट डेफिनेटली, बट इफ यू हैव अ टाइम लिमिट तो आपकी बस हो जाएगी भाई, आराम से आइए, फुर्सत में आइए, बिकॉज बहुत वैरायटी है भाई साहब, बहुत हर एक दुकान में आपको वैरायटी वैरायटी मिलेगी। और इसके बाद फिर से हम गए थे तो कुछ जगह का नाम हमेशा भूल जाता है, क्या था? भागीरथ, भागीरथ पैलेस गए थे, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, हर एक चीज मिल जाएगी, मतलब बिजली के रिलेटेड आपको जो भी चाहिए दिल्ली में आइए प्लीज एक्सप्लोर, पर टाइम निकाल के आइए। और क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ता है, गलियों में गलियां हैं और गलियों में आप खो भी सकते हैं, जैसे हम रात को खो गए थे, हमने हेल्प ली थी किसी भैया की। और एक और चीज़, एक वार्निंग, अगर आप मींस यू आर फीमेल प्लीज़ अपने वेजेस घर में छोड़ के आइए और शूज पहन के आइए, बिकॉज ये जो मुकदमा है ये 4-5 बारी इनका पैर ऐसे 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 होता बजा। सो आज का जो ब्लॉग है हम इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर, कमेंट, बाय बाय।